Hello everyone, I am Mudit Jain. I am IRS of 2018 batch, and before getting into IRS, I was twice selected as Indian Police Service Officer on the basis of CSE 14 and CSE 15. So in this small video, we'll try to discuss the preparation strategy that you should follow in next 75 days. जैसा कि आपको पता है कि UPSC prelims 2024 कुछ दिन के लिए postpone हुए हैं general elections के मद्देनजर. अब प्रीलिम्स 16 जून 2024 को है, तो आज अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं जिस दिन ये वीडियो रिकॉर्ड हुई है, ऑलमोस्ट 75 डेज बाकी है प्रीलिम्स में. तो मैं इस सेशन में ये नहीं बताऊंगा कि बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए या क्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप प्रीलिम्स दे रहे हैं और सिर्फ 75 दिन बाकी है, तो मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूं कि आप एक साल से ऑलमोस्ट प्रिपेयर कर रहे हैं या 6 महीने 7 महीने से प्रिपेयर कर रहे हैं, और आप अपनी बुक लिस्ट ऑलरेडी कर चुके हैं डिसाइड और उसे पढ़ चुके हैं एटलीस्ट एक या दो बार. तो इसमें हम क्या नया देखेंगे इस सेशन में कि बस अगले 75 दिन को बेस्ट यूटिलाइज कैसे करना है. मान लीजिए अगर मैं ये एग्जाम दे रहा होता, तो मैं अगले 75 दिन में क्या ऐसा करता कि श्योर शॉट गारंटी से मेरा प्रीलिम्स 2024 क्लियर हो जाए. हम सिर्फ इतना डील करेंगे इस वीडियो में. तो सबसे पहले चीज, 75 दिन में क्या करना है कि जीएस की क्या अप्रोच रहनी चाहिए आपकी प्रीलिम्स को लेकर. अब जीएस का पेपर आपने पिछली बार देखा होगा, उन्होंने थोड़ा सा चेंज करा है कि एलिमिनेशन टेक्निक को खत्म करने की कोशिश करी है और उसकी जगह लाए हैं पेयर्स में क्वेश्चन पूछे हैं कि विच हाउ मेनी ऑफ द अबव पेयर्स आर करेक्ट, 2 पेयर्स 3 पेयर या 4 पेयर. ऐसे क्वेश्चन को डील करने के लिए आपको नॉलेज की डेप्थ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर आपकी नॉलेज सुपरफिशियल है तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन अब एलिमिनेशन टेक्निक ही नहीं है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको है डेप्थ. डेप्थ कैसे आएगी? डेप्थ 10 बुक्स पढ़ने से नहीं आएगी, डेप्थ एक बुक को बार बार पढ़ने से आएगी, ताकि उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आया है तो उससे रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं उसके ऑप्शंस में वो आपके दिमाग में क्लिक हो. वो क्लिक कब होंगे? मान लीजिए हिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं, तो हिस्ट्री की सिर्फ एक बुक पढ़िए, मैक्स 2 बुक पढ़िए, और उनको रिवाइज करिए, उनको नोट्स बनाइए, उनको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करिए, ताकि जब आप क्वेश्चन देख रहे हैं तब आपको एटलीस्ट कुछ क्लिक हो. जो पैटर्न आया है, लोग उससे डर के, मेरे टेलीग्राम ग्रुप से के थ्रू मुझे पता है, लोग उससे डर के 10 बुक 5 बुक पढ़ रहे हैं हिस्ट्री के लिए, एंशियंट के लिए. वो गलती मत करिए, ताकि रिविजन आपकी पॉसिबल हो जाए. अब मैंने एक ट्रेंड एनालिसिस करा था, पिछले 5 साल से मैं टेलीग्राम पे एक्टिव हूं, तो मैंने 5 साल के पेपर्स का ट्रेंड एनालिसिस कराया जीएस का, लास्ट ईयर का भी हमने देखा था पेपर. उसके बेसिस पे मेरा ये मानना है कि अगला जो पेपर होगा, जो 2024 का पेपर है, वो थोड़ा स्टैटिक हो सकता है. पिछली बार का पेपर आप देखोगे वो थोड़ा कंटेम्प्रेरी अफेयर से रिलेटेड था, 12 क्वेश्चन 14 क्वेश्चन डायरेक्टली कंटेम्प्रेरी अफेयर्स करंट अफेयर्स के थे. बाकी क्वेश्चंस भी थे जिनमें कुछ पोर्शन करंट अफेयर्स का था, ये मैं सिर्फ वो बता रहा हूं जो डायरेक्ट कंटेम्प्रेरी अफेयर्स से रिलेटेड थे. मॉडर्न हिस्ट्री अगर आप देखोगे, सिर्फ 2 क्वेश्चन आए थे मॉडर्न हिस्ट्री के. ज्योग्राफी आप देखोगे, ज्योग्राफी प्लस जो एलाइड सेक्टर होते हैं जैसे कि वॉटर पार्क्स या एरियाज, मैप्स, इवेंट्स इन न्यूज, उनसे रिलेटेड 18-19 क्वेश्चन थे. तो और अगर आप 2022 का पेपर देखोगे, वो इसका विपरीत था. तो इवन ईयर्स में थोड़ा ऐसा देखा जा रहा है कि पेपर स्टैटिक आ रहा है, ऑड ईयर्स में थोड़ा ऐसा देखा जा रहा है कि कंटेम्प्रेरी रिलेटेड आ रहा है. अब ये सिर्फ एक एनालिसिस है, इसका जो लिंक है पूरा एक्सेल शीट्स वगैरह वो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में अवेलेबल है, तो मैं यहां पे एक्सेल आपको शो नहीं कर पा रहा हूं, मैं इसलिए बता रहा हूं. अब ये मेरा मानना है, ये मेरा प्रेडिक्शन है, लेकिन प्रिपेयर आपको स्टैटिक और करंट दोनों ही करना है. सिमिलर हमने एक एनालिसिस करा था सीसैट को लेकर, तो सीसैट में आपको पता होगा 2018 से शुरू हुआ है कि पेपर बहुत टफ होता जा रहा है. जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोग हैं उनके लिए भी सीसैट निकालना मुश्किल हो रहा है. जीएस में आ रहे हैं 120-130 सीसैट, लेकिन 66 मार्क्स नहीं आ रहे, 33% नहीं आ पा रहे. तो उसके लिए भी सिमिलर एक ट्रेंड एनालिसिस किया था पिछले 4-5 साल का, और एवरेज एक निकाला है मैंने कि कौन से टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं. अगर आप उन्हीं 7-8 टॉपिक्स पे फोकस करोगे तो आपको पूरा ब्रेथ में, डेप्थ में सीसैट प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन दी एंड 33% मार्क्स ही तो लाने हैं, कोई मार्क्स से जुड़ने नहीं है. वो 8 टॉपिक्स हैं. सबसे पहले तो कॉम्प्रिहेंशन, अगर 3 साल के पेपर उठा के देखोगे तो 27 क्वेश्चंस ईच आए हैं कॉम्प्रिहेंशन से.
तो इस बार भी कॉम्प्रिहेंशन से आना ही है उतना। तो दूसरा आपका मेजर टॉपिक हो गया नंबर सिस्टम। अब काफी बुक्स आप देखोगे नंबर सिस्टम वो ब्रॉडली एक बना देते हैं। नंबर सिस्टम्स में आजकल पूछा क्या जा रहा है वो तीन मेन टॉपिक्स है। एक तो है पावर के क्वेश्चंस के 2 to the power of something divided by something व्हाट विल बी द रिमाइंडर। दूसरा टाइप हो गया 2-digit, 3-digit, 4-digit, 6-digit, 8-digit क्वेश्चंस। पिछली बार का आप एग्जाम देखोगे 8-digit क्वेश्चंस तक पे क्वेश्चन आया है। और तीसरा आपका हो गया एक तो नंबर सिस्टम हो गया, नंबर सिस्टम में एक ये डिविजन पावर वाला हो गया, एक हो गया आपका 2-digit सिस्टम, और तीसरा आ रहा है मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन का के 65 × 85 × 95 × 105 / 7 व्हाट विल बी द रिमाइंडर। तो इस तरीके के क्वेश्चन, इन तीन मेन एरियाज के क्वेश्चन आप नंबर सिस्टम में प्रैक्टिस अगर करोगे तो कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन इस बार भी सीसेट में इसके बेसिस पे आएंगे जो आप सॉल्व कर सकते हो। दूसरा मेजर टॉपिक जो नंबर सिस्टम्स के बाद है वो है पीएनसी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। मैं लकी हूं कि मेरा लास्ट अटेम्प्ट 2017 सीएसई था, मेरा 5th अटेम्प्ट था वो, मैंने 6th अटेम्प्ट दिया ही नहीं क्योंकि मैं पीएनसी में बहुत वीक हूं। अब पीएनसी से क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं, तो गॉन आर दोज डेज जब हम बोला करते थे कि पीएनसी छोड़ दो क्लियर हो जाएगा सीसेट। अब पीएनसी पे आपको इक्वली फोकस करना पड़ेगा। फिर क्वेश्चंस आ रहे हैं स्टेटमेंट सफिशियंसी से, ये पहले के टाइम में आया करते थे फिर बीच में गायब हो गए थे, अब दोबारा से आने चालू हो गए हैं कि दो स्टेटमेंट दे देंगे S1 एंड S2 और फिर कंक्लूजन दे देते हैं और पूछते हैं कि वेदर S1 alone is sufficient, or S2 alone is sufficient, or S1 and S2 both are required, or S1 and S2 both cannot answer the question। तो ये स्टेटमेंट सफिशियंसी होता है, आसान होते हैं क्वेश्चन, लेकिन अब डिपेंड करता है कि यूपीएससी कौन से एरिया से स्टेटमेंट सफिशियंसी पूछ रहा है। मान लो वो पीएनसी को भी मिक्स कर सकता है स्टेटमेंट सफिशियंसी में, पिछली बार डिजिट्स के क्वेश्चन को भी स्टेटमेंट सफिशियंसी से मिक्स करा था, तो ये वेरी करता है। ओवरऑल ऐसा कोई एक या दो पेज नहीं है कि ये आपने कर लिया तो स्टेटमेंट सफिशियंसी कंप्लीट हो जाएगा आपका, वो अक्रॉस द एरियाज का एप्लीकेशन पार्ट है। फिर पूछा जा रहा है सबसे ज्यादा एलजेब्रा, कहने को एलिमेंट्री एलजेब्रा होता है लेकिन अब एलजेब्रा भी टफ हो रहा है। जैसे क्वेश्चन दे देते हैं कि P + C / P - C वेयर पी इज अ प्राइम नंबर और सी एक कांस्टेंट है, तो इसका जो डिवाइड होके आएगा वो ऑड होगा या इवन होगा। तो ऑन द स्पॉट आपको ऐसे क्वेश्चंस को हैंडल आप तभी कर पाओगे जब पहले से ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप प्रिपेयर्ड हो। एलजेब्रा के बाद जो सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है वो है परसेंटेजेस। परसेंटेज पे आसान क्वेश्चन होते हैं तो ऐसा कोई इशू नहीं है। क्लॉक्स एंड कैलेंडर से काफी क्वेश्चन आ रहे हैं और नंबर सीक्वेंसिंग। नंबर सीक्वेंसिंग मेरे टाइम पे मतलब 2017 तक आसान आती थी, अब नंबर सीक्वेंसिंग हो गया है अल्फा न्यूमरिक सीक्वेंसिंग जिसमें लेटर्स और नंबर्स को एक साथ मिक्स कर देते हैं, तो उसकी भी आप पहले से प्रैक्टिस करके रखिए। ये ओवरऑल एक सीसेट का ट्रेंड एनालिसिस है, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में शेयर्ड है वीडियो के, जिसमें आपको एक्सेल्स मिल जाएंगी पिछले 5 साल की, आपको टॉपिक वाइज सेग्रीगेशन मिल जाएगा कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए हैं, और एक प्रेडिक्शन भी मिल जाएगा आपको कि 2024 में आप कौन से टॉपिक्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं पेपर में। तो ये तो हो गया हमारा जीएस और सीसेट का ट्रेंड एनालिसिस। अब मैं आपको बताऊंगा कि नेक्स्ट 75 दिन में आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आप कैसे उसको बेस्ट यूटिलाइज करें, ऑप्टिमाइज करें कि आपका प्री क्लियर हो जाए। तो अगर मैं एग्जाम दे रहा होता तो मैं नेक्स्ट 75 डेज को 3 या 4 set of days में डिवाइड करता। मान लो मैं 4 set of days में डिवाइड कर रहा हूं क्योंकि मैंने 1 साल प्रिपेयर करा है तो मेरा अब तक प्रिपरेशन हो चुका होता। अब आगे के 75 दिन मैं सिर्फ रिवीजन पे फोकस कर रहा हूं। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपकी प्रिपरेशन अभी किस लेवल की है। अगर आपके मेजर टॉपिक्स ही अभी बाकी हैं तो आप रिवीजन पे अभी नहीं आ सकते, तो आप सेट ऑफ डेज बाद में शुरू करिएगा, अभी मत शुरू करिए, अभी प्रिपेयर कर लीजिए। जब 40 दिन रह जाए, टारगेट ये रखिए कि 40 दिन पहले सब प्रिपेयर हो जाए और फिर रिवाइज करेंगे। अगर आपका ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुका है, आप रिवीजन की स्टेज पे आ गए हैं, तो 75 दिन को आप डिवाइड कर सकते हैं इनटू सेट ऑफ 4 डेज, 30, 20, 15 एंड 10, 30+20+15 एंड 10, ये 75 हो जाएगा। तो पहले 30 दिन में मैं वो टॉपिक्स करूंगा जो मुझे बहुत टफ लगते हैं या जो मैंने छोड़ रखे हैं। तो मान लीजिए मुझे एंशियंट मेडिवल बहुत टफ लगता था, मुझे आर्ट एंड कल्चर बहुत टफ लगता था, मुझे बेसिकली हिस्ट्री से ही प्रॉब्लम थी कि हिस्ट्री मुझे याद नहीं हो पाती थी, फैक्ट्स डेट्स
जो भी है उसमें नाम मुझे बहुत मुश्किल होती थी, मैं नोट्स बना बना के पढ़ता था तब मुझे याद होता था। अगर आपको हिस्ट्री में प्रॉब्लम है तो आप हिस्ट्री से शुरू करिए, क्योंकि अगर आपने अभी अगर हिस्ट्री नहीं पढ़ी, मान के रखिए ये 30 दिन चले जाएंगे, लास्ट में सिर्फ 40-45 दिन जब बचेंगे, प्रेशर इतना ज्यादा होगा, आप तब हिस्ट्री पढ़ोगे ही नहीं। तो अगर अभी छूट गया बाद नहीं आएगा, वो छूटा ही रह जाएगा। तो जो अब फर्स्ट 30 डेज अगले आ रहे हैं उनमें ट्राई करिए कि जो भी पोर्शंस आपको टफ लगते हैं, जो भी पोर्शंस रह गए हैं उनको कंप्लीट कर लीजिए। लोगों को पॉलिटी में प्रॉब्लम होती है, कमिटीज में, मुझे कमिटीज याद करने में इशू होता था, एनवायरमेंट में मुझे लिस्ट नेशनल पार्क्स या एंडेंजर्ड स्पीशीज इनके नाम याद करने में मुश्किल होता था, ट्राइबल नाम याद करने में मुश्किल होता था, प्लेसेस इन न्यूज, जबकि मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल था तो वर्ल्ड मैप, कैस्पियन सी किधर है, बाउंड्री, नेबरिंग स्टेट्स कंट्रीज उनकी क्या है, वो याद करने में मुझे इशू होता था। तो ऐसे टॉपिक्स आप पहले 30 दिन में करिए ताकि ये छूटे ना। एक बार ये 30 दिन का साइकिल कंप्लीट हो गया, फिर नेक्स्ट 20 डेज में हम पूरा रिवाइज करेंगे, स्टार्टिंग अगेन विद द टफेस्ट टॉपिक। अभी मैंने वो पिछले 30 दिन में ही पढ़ा है तो अब मुझे बहुत कम टाइम लगेगा उसको रिवाइज करने में। अगर आपको अभी भी टाइम लग रहा है तो ये मान के चलो कि आपकी प्रिपरेशन वीक है। जो चीज मैंने अभी 30 दिन में करी है मैं उसको दोबारा 10 दिन में कर सकता हूँ क्योंकि वो अभी फ्रेश है मेमोरी में। तो अगले 20 दिन में वही साइकिल हम कंटिन्यू करेंगे कि हम रिवाइज करेंगे स्टार्टिंग विद द टफेस्ट टॉपिक। जैसे मैं करूंगा हिस्ट्री सबसे पहले, फिर अगर सीसेट मुझे टफ लग रहा है मैं अगला पोर्शन सीसेट लूंगा, फिर अगर मुझे पॉलिटी लग रहा है तो पॉलिटी, लास्ट में अपना धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल कम करते हुए। मुझे जैसे साइंस आसान लगता था या मुझे ज्योग्राफी के जो अलग क्वेश्चन है दूसरे जो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते थे वो आसान लगते थे क्योंकि मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल था। तो धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल हम कम करेंगे। लास्ट 15 और 10 दिन में हम रिवर्स अप्रोच लगाएंगे। अभी हम क्या कर रहे थे, सबसे टफेस्ट को पहले ले रहे थे। लास्ट 15 और 10 में आइडिया क्या है कि जब मैं 16 जून को एग्जाम हॉल में जा रहा हूं तो मेरे दिमाग में जो मुझे सबसे टफ लगती है चीज वो फ्रेश होनी चाहिए ताकि मैं कॉन्फिडेंट हूं। अगर मैं लिस्ट को लेके किसी कमिटीज में कौन मेंबर है कौन नहीं है पॉलिटी में, अगर मैं उसको लेके टेंशन में हूं तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं एकदम एंड में उसको रिवाइज करूं। तो जहां हमने 30 और 20 दिन में सबसे टफ से शुरू करा था, हम लास्ट 15 और 10 दिन में सबसे आसान टॉपिक से शुरू करेंगे और टफ की तरफ बढ़ते जाएंगे। तो ऐसे स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन अगर आप करोगे तो प्री क्लियर होना बहुत सर्टन हो जाता है। नंबर ऑफ टेस्ट कितने करने वो मैं बता देता हूं। ओवरऑल हम जो मेरा पीयर ग्रुप था, आज वेरियस सर्विसेज में है सब, तो हम लोगों का अटेम्प्ट यही रहता था कि हम एटलीस्ट 30 या 40 टेस्ट करें। इसमें सेक्शनल और फुल लेंथ टेस्ट दोनों मिलाकर है। तो मान लो अगर आपने अब तक 10 टेस्ट करे हैं और अब 75 दिन बाकी है तो आपको एटलीस्ट 20 टेस्ट और करने हैं। इसका मतलब हो गया हर तीसरे या चौथे दिन में आपको एक टेस्ट लिखना है। आपने अब तक अगर एक भी टेस्ट नहीं करा, आपको 30 टेस्ट मिनिमम करने हैं, तो आपको हर 2.5 दिन में एक टेस्ट देना होगा। तो इस तरीके से आप डिवाइड करके चलो कि कितने टेस्ट हो गए हैं और कितने अभी देने हैं, और फिर नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी उसकी डिसाइड कर लो कि कितने दिन में आपको कितने टेस्ट देने हैं। टेस्ट सिर्फ देना नहीं है, अपने आप से ऑनेस्ट होके टेस्ट में जो क्वेश्चन टफ लगे हैं उनके नोट्स बनाने हैं और उनको रिवाइज करना है। इसका रीजन मैं बता देता हूं। मैंने 5 अटेम्प्ट दिए, मैंने 4 बार प्री क्लियर करा है, मैंने 4 बार इंटरव्यू दिया और मेरे 3 सिलेक्शन है। मेरा सिर्फ एक बार प्री रुका था, वो था 2016 में। मेरा प्री रुका था 1.5-2 मार्क्स है। एक क्वेश्चन मैं जो मॉक टेस्ट उस समय कर रहा था, एक क्वेश्चन उसमें आया था मेरा, वो गलत हुआ था। सेम क्वेश्चन प्रीलिम्स में आया और मेरा वहां भी गलत हुआ। उसका रीजन क्या था कि मैंने मॉक टेस्ट करा, करके उसे छोड़ दिया, लेकिन जब मैंने प्री में वो क्वेश्चन देखा तो मेरे को स्ट्राइक हुआ कि हाँ ये क्वेश्चन मैंने देखा था, ये क्वेश्चन मैंने कहीं देखा हुआ है, मुझे याद आया मैंने मॉक में देखा है, और मैंने मॉक रिवाइज नहीं करा। मैं और नर्वस हो गया था उस समय कि मेरा क्वेश्चन पहले भी गलत हुआ था और मेरा क्वेश्चन वो फिर दोबारा गलत हुआ। तो जो भी क्वेश्चन आपको टफ लगते हैं मॉक में, सही हो या गलत हो उसका आंसर वो मतलब नहीं है। कुछ क्वेश्चन होते हैं मुझे टफ लगते हैं, फ्लूक में आंसर मेरा सही हो गया, उसको भी आपने नोट डाउन करना है। आपने आपसे ऑनेस्ट होके उसके नोट्स बना लो और उनको रिवाइज करो, 3 या 4 बार रिवाइज करो ताकि वो मिस्टेक रिपीट ना हो जो मैंने करी थी 2016 में। तो ये बात हो गई आपकी टेस्ट की। रिविजन में आपको पहले भी बोल चुका हूं कि नंबर ऑफ सोर्सेज इंपॉर्टेंट नहीं है,
एक सोर्स लो, दो सोर्स लो, उनके नोट्स बनाओ, उनको बार बार रिवाइज करो। रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और पॉइंट है टाइम टेबल, ये भी मैंने थोड़ा सा टच अपॉन करा है कि जैसे स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन मैंने आपको बताई 30, 20, 15 और 10, तो अगर आपको वो स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन नहीं करना, एटलीस्ट आप एक टाइम टेबल बना के चलो अगले 75 दिन का, जो कि होगा डेली टाइम टेबल, वीकली टाइम टेबल, फोर्टनाइट एंड मंथली, के मेरे आज के टारगेट्स क्या है, मुझे आज कितने पेज कंप्लीट करने हैं। अगर मैं पॉलिटी पढ़ रहा हूं, मेरा टारगेट होता था कि मैं 50 पेजेस पढ़ूंगा एक दिन में। अगर मैं कोई और टॉपिक पढ़ रहा हूं जो थोड़ा आसान है, मेरा टारगेट थोड़ा बढ़ जाता था कि मुझे 60-70 पेज पढ़ने हैं दोनों साइड मिला के। फिर मेरे डेली टारगेट जैसे जैसे अचीव होते जाते थे, तो मेरा वीकली टारगेट होता था कि इस डेली टारगेट्स मेरे मैंने अचीव कर लिए 6 दिन, अब इनसे रिलेटेड मुझे टेस्ट देना है 7वें दिन पे। फिर देखो फोर्टनाइट के आपके टारगेट्स मीट हो रहे हैं नहीं, 15 दिन के, हर 15 दिन के, 75 दिन बाकी हैं, तो 5 फोर्टनाइट टारगेट्स आपके अचीव हो रहे हैं नहीं। फिर देखो मंथली टारगेट आपके अचीव हो रहे हैं नहीं। तो ये अगर आप टाइम टेबल ऐसे फॉलो करोगे, स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन करोगे, तो आई एम डैम श्योर आप ट्रैक पे रहोगे, आप डाइग्रेस नहीं होगे अपनी प्रिपरेशन में। ये आपको हेल्प कहां करेगा, काफी लोगों को डे ड्रीमिंग होती है कि यार क्लियर होगा या नहीं होगा, स्ट्रेस होता है। तो अगर मैं टाइम टेबल फॉलो कर रहा हूं, मैं 4 बार रिवाइज कर रहा हूं, मैं हर दूसरे तीसरे दिन टेस्ट दे रहा हूं, मैं टेस्ट में जो मुझे क्वेश्चन टफ लगे थे मैं उनको रिवाइज कर रहा हूं, तो वो डे ड्रीमिंग और स्ट्रेस का जो क्वेश्चन होता है वो आप अपनी प्रिपरेशन से बाहर ही निकाल रहे हो एक तरीके से, वो आएगा ही नहीं। डे ड्रीमिंग और स्ट्रेस का टाइम ही कहां है अगर मैं रोज डेली टारगेट्स फॉलो अपने अटेन करने में लगा हुआ हूं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स मैंने अब तक नहीं बताया। करंट अफेयर्स मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था, मैं न्यूज़पेपर पढ़ के खुद नोट्स बनाता था, और जो फिर मैं वो नोट्स रिवाइज करता था, उसके बाद मैं मंथली मैगजीन देखता था कोचिंग की। अगर मुझे उस मंथली मैगजीन में कुछ ऐसा मिलता था जो मेरे नोट्स में ऑलरेडी नहीं है, तो मैं उसको अपने नोट्स में ऐड कर लेता था। ये मेरी बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज थी करंट अफेयर्स की। आजकल काफी मटेरियल अवेलेबल है मार्केट में, रेडीमेड कोचिंग नोट्स सब अवेलेबल है। एस्पिरेंट्स न्यूज़पेपर पढ़ना नहीं चाहते हैं, स्टिल मेरी एडवाइस यही है कि आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ोगे, आप 10 चीज पढ़ोगे, वो 10 चीज आपको कहीं ना कहीं काम आएंगी। आप कोई रेडीमेड कोचिंग मैगजीन पढ़ोगे, आप 2 आर्टिकल पढ़ोगे, हो सकता है वो 2 आर्टिकल यूपीएससी पूछे भी ना। और ये देखा भी गया है पिछले 3 या 4 साल के, आप पेपर उठा के देखो प्री के मेंस के भी, डायरेक्ट मैगजीन से क्वेश्चन नहीं आए हैं। जो लोग सिर्फ मैगजीन्स पे रिलाई कर रहे हैं वो बुरी तरह फॉल्टर हुए एग्जाम में। तो करंट अफेयर्स प्रिपेयर करने का तरीका यही है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ो, फिर उसके बाद एक कोचिंग मैगजीन को ही पढ़ लो, सिर्फ और सिर्फ कोचिंग मैगजीन पे रिलाई मत करना। लास्ट 30 डेज जो है उसमें करंट अफेयर्स छोड़ सकते हो, क्योंकि पेपर ऑलरेडी सेट हो जाता है 30 दिन पहले, तो वो 30 दिन की करंट अफेयर जो है वो प्रीलिम्स के लिए रिलेवेंट नहीं है। अब कुछ लोग आर्ग्यू करेंगे कि पेपर हो सकता है 2 महीने पहले ही सेट हो गया हो, मैं 2 महीने की करंट अफेयर छोड़ देता हूं, वो मत करना, क्योंकि बैकलॉग बहुत ज्यादा हो जाएगा। हमें सिर्फ प्री क्लियर नहीं करना है, हमें मेंस भी देना है उसके बाद। और इस बार प्री 16 जून को है, मेंस इस बार 20 सितंबर को है। डेज काउंट करो, देर आर ओनली 96 डेज बिटवीन प्री एंड मेंस। प्री के एक हफ्ते बाद आप पढ़ोगे नहीं, जनरली कोई भी नहीं पढ़ता है, एक हफ्ते बाद रिलैक्स होते हैं, 4-5 दिन तो कोई नहीं पढ़ता है। जो बॉर्डर लाइन पे आप लोगों में से कुछ होंगे जिनका बॉर्डर लाइन पे स्कोर आ रहा होगा, उनके और 10 दिन वेस्ट होंगे। पिछली बार रिजल्ट 15 दिन में आ गया था प्री का, हो सकता है इस बार ना है, हो सकता है 20 दिन लग जाए, 25 दिन लग जाए। तो ऐसा मेरे साथ हुआ था सीएससी 14 में, मेरा प्री का जीएस का स्कोर बॉर्डर लाइन पे था, तो मुझे टाइम लग गया था फोकस करने में। तो मान लो ये सब फैक्टर इन करके 96 डेज नहीं है आपके पास, 75 से 80 डेज ही है रफली मेंस के लिए। तो अगर आपने 2 महीने का बैकलॉग छोड़ दिया है, तो वो 2 महीने का बैकलॉग कवर करने में ही 10-15 दिन चले जाएंगे, तो मेंस के लिए टाइम बहुत कम है। दिस ब्रिंग्स मी टू मेंस प्रिपरेशन, कि आप अगले 75 दिन में मेंस भी आपने प्रिपेयर करना है, थोड़ा बहुत आप छोड़ नहीं सकते। आपको एडवांटेज मिला है 20 एक्स्ट्रा दिन का प्रीलिम्स में, लेकिन आप डिसएडवांटेज पे भी हो कि आपको मेंस में 20 दिन कम मिल रहे हैं। तो अगर मेरी बात मानोगे, अगर मैं ये प्री दे रहा होता तो मैं मेंस की भी प्रिपरेशन साथ में थोड़ी बहुत करता, कि जो स्टैटिक टॉपिक्स हैं जो प्री और मेंस में कॉमन है, कि जैसे हिस्ट्री हो गया, एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हो गया या मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, तो वो कॉमन है, वो प्री में भी है, वो मेंस में भी है। आप प्री के पर्सपेक्टिव से तो उसे प्रिपेयर कर ही रहे हो,
आप मेंस के पर्सपेक्टिव से भी उसे प्रिपेयर कर लो। मेंस का पर्सपेक्टिव क्या होता है कि 10 मार्क का क्वेश्चन है उसमें मुझे 10 पॉइंट लिखने हैं, 12 मार्क का क्वेश्चन 12 पॉइंट, 15 मार्क का क्वेश्चन 15 पॉइंट। तो प्री में पर्सपेक्टिव क्या होता है, आप फैक्चुअल डिटेल्स पे फोकस करते हो। तो आप थोड़ा मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसे देखो कि एक बार एनालाइज कर लो कि पिछले 5 साल में इस टॉपिक पे मेंस में क्या क्या पूछा जा रहा है और उस माइंडसेट से उसे पढ़ो ताकि मेंस की प्रिपरेशन साइड बाय साइड होती रहे। दूसरी चीज आप क्या कर सकते हो, रोज 1 से 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लो। कितना टाइम लग जाएगा, 15 मार्क के भी क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करते हो, हमें यूपीएससी में 15 मार्क का क्वेश्चन 11 मिनट में करना होता है, 10 मार्क का क्वेश्चन 7 मिनट में, 12 मार्क्स का क्वेश्चन 9 मिनट में। अगर आप 15 मार्कर्स भी प्रैक्टिस कर रहे हो तो 11+11 22 मिनट्स, आप 30 मिनट ले लो चलो अभी के 15 मार्क का क्वेश्चन में 15 मिनट में करूं, रोज आधा घंटा जाएगा और उससे आधा नहीं जाएगा, आधा घंटा आप स्पेयर कर सकते हो। ये जो रोज आधा घंटा आप मेंस को दोगे आपका प्री निकलने के बाद आपको बहुत हेल्प करेगा। 75 डेज है, मैं अगर रोज 2 क्वेश्चन कर रहा हूं मतलब मैं 150 क्वेश्चन कर रहा हूं। एक जीएस में रफली 20 क्वेश्चन आते हैं पेपर में, 150 क्वेश्चन करने का मतलब हो गया मैंने 7 पेपर सॉल्व कर लिए, मैंने 2 मेंस दे दिए। तो ये आपको हेल्प और इसकी ग्रेविटी, इसका इम्प्लीकेशन आप पॉजिटिव इम्प्लीकेशन बाद में समझोगे, इसलिए मैं आपको एडवाइस कर रहा हूं कि 1 से 2 क्वेश्चन रोज जरूर सॉल्व करो। लास्ट चीज आप क्या कर सकते हो, अगर किसी का ऑप्शनल अभी प्रिपेयर नहीं है, वीक है, तो प्लीज ऑप्शनल को रोज 1 घंटा जरूर दो, क्योंकि लास्ट जैसे मैंने बताया 75-80 दिन रह जाएंगे मेंस के लिए प्री के बाद, उसमें पूरा ये ऑप्शनल सिरे से प्रिपेयर करना बड़ा मुश्किल है। तो ट्राई करो कि ऑप्शनल भी थोड़ा बहुत देखते हुए चलो, क्योंकि सिर्फ प्री निकालने से कुछ नहीं होगा। प्री निकल गया, मेंस बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं है, वो डायरेक्शनलेस उस समय घूमोगे 75 दिन, कोई फायदा नहीं होगा, मेंस क्लियर नहीं होगा। तो हमें दोनों चीजें एक साथ मैनेज करके इस बार चलनी पड़ेगी। ओवरऑल जिस्ट में बता देता हूं कि मैंने क्या बताया अब तक सेशन में, कि हम शुरू हुए थे कि जीएस की एक एनालिसिस जो मैंने करी थी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मैंने आपको फोकस एरियाज बताए कि मैंने आपको प्रिडिक्शन बताया कि मेरे हिसाब से इस बार का पेपर स्टैटिक होगा, कंटेम्प्रेरी अफेयर्स थोड़ा कम होगा, स्टैटिक ज्यादा होगा, लेकिन ये सिर्फ एक प्रिडिक्शन है, आप इस पे आंख बंद करके रिलाय मत करना, आप फोकस करना कि आप कर रहे हो स्टैटिक। जब भी स्टैटिक होता है पेपर तो हिस्ट्री का वेटेज अपने आप बढ़ जाता है, एंशियंट मिडिवल से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, मॉडर्न से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो प्लीज उनको छोड़ना मत, अभी प्रिपरेशन के दौरान अच्छे से प्रिपेयर करना। फिर मैंने आपको सीसैट की एनालिसिस बताई, पिछले 5 साल का मैंने एवरेज बताया, मैंने 8 टॉपिक्स बताए जिनसे मेजर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और मेरी एडवाइस ये है कि आप अगर वो 8 टॉपिक्स अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो तो सीसैट क्लियर हो जाएगा। फिर मैंने आपको लास्ट 75 डेज का एक स्ट्रक्चर्ड प्लान बताया कि उसको सेट ऑफ डेज में कैसे डिवाइड कर सकते हो, टेस्ट कितने देने हैं, टेस्ट कैसे देने हैं, रिविजन कैसे करना है, टाइम टेबल कैसे बनाना है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, प्लस मेंस की प्रिपरेशन कैसे करनी है। अगर इसके बाद भी आपके कोई डाउट्स हैं तो जो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लिंक है आप उस पर क्लिक करके मेरे टेलीग्राम चैनल पे विजिट कर सकते हो, जहां मैं फ्री गाइडेंस देता हूँ यूपीएससी की। थैंक यू।